तो स्वागत है आपको मैं डीवाई चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। आज के इस वीडियो में दुनिया के उस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दुनिया की जनसंख्या की नजर में देखा जाए तो 8वां सबसे बड़ा देश है। ये वही देश है जो भारत की आजादी से पहले भारत में शामिल था। हम उसी देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कभी पाकिस्तान से युद्ध किया करता था। ये वही देश है जिसके नेशनल फ्लैग में दो कलर है, पहला कलर रेड और दूसरा कलर ग्रीन। ये वही देश है जो बाल विवाह के मामले में नाइजीरिया के बाद दूसरे स्थान पर आता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। हम बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं। हम इस वीडियो के अंदर बांग्लादेश के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताएंगे। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। फैक्ट नंबर एक, बांग्लादेश एक छोटा सा देश होने के कारण से आबादी के मामले में बड़े बड़े देशों को मात देता है। हैरानी की बात है कि बांग्लादेश आबादी के मामले में दुनिया में 8वें स्थान पर आता है। बांग्लादेश के प्रति किलोमीटर में लगभग 3000 लोग निवास करते हैं। ये गंभीर विचार है। फैक्ट नंबर दो, बांग्लादेश का ऑफिशियल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। यह देश बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा हुआ एक देश है। इस देश के अंदर हर 5 साल के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यहाँ पर कोई भी राष्ट्रपति दो बार से ज्यादा नहीं बन सकता। फैक्ट नंबर तीन, यूनिसेफ के द्वारा आई रिपोर्ट के अनुसार ये सामने आया है कि बांग्लादेश बाल विवाह के मामले में नाइजीरिया के बाद आता है। यानी कि बांग्लादेश दुनिया में बाल विवाह के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। बांग्लादेश में सैकड़ों मामले हर साल आते हैं जिसमें से पैसे और फैमिली के दबाव के चलते कम उम्र की लड़कियां शादी कर लेती है। फैक्ट नंबर चार, बांग्लादेश के इतिहास के बारे में बात करें तो बांग्लादेश का इतिहास बहुत मजबूत रहा है। भारत का प्राचीन सभ्यता का शासन बांग्लादेश तक रहा है। बांग्लादेश पर भारत की प्राचीन सभ्यता जैसे गुप्त मौर्य मुगलों का शासन रहा है। प्राचीन समय से ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल सेंट्रल माना जाता है। फैक्ट नंबर पाँच, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने के लिए 15 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 में आजादी के अनाउंसमेंट करने के बाद 16 दिसंबर 1971 को आजादी मिली थी। बांग्लादेश ने 4 नवंबर 1972 में अपना संविधान लागू कर दिया था। फैक्ट नंबर छह, अगर बांग्लादेश के खेलों के बारे में बात करें तो बांग्लादेश का लोकप्रिय खेल क्रिकेट है, लेकिन बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट में मान्यता मिलने के बाद जिसके कारण से टेस्ट क्रिकेट में खेलने वाला एशिया का चौथा देश बन गया था। फैक्ट नंबर सात, सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन माना जाता है। सुंदरबन का लगभग 40% हिस्सा भारत के अंदर और 60% हिस्सा बांग्लादेश में स्थित है। सुंदरबन को यूनेस्को ने विश्व हेरिटेज साइट पर शामिल किया गया था। इस जंगल का नाम सुंदरी की पेड़ों की वजह से सुंदरबन कहा जाने लगा। फैक्ट नंबर आठ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश विकासशील होने के कारण से आबादी के मामले में ढाका दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। फैक्ट नंबर नौ, बांग्लादेश की आधी आबादी से ज्यादा लोग किसानी करते हैं। फैक्ट नंबर 10, बांग्लादेश का सबसे पुराना शहर मानिस्तनगढ़ है। फैक्ट नंबर 11, बांग्लादेश के नेशनल फ्लैग में दो कलर है, एक रेड और दूसरा ग्रीन। ग्रीन कलर खुशहाली का प्रोसेस का साइन माना जाता है जबकि रेड कलर बांग्लादेश को मिली आजादी का साइन माना जाता है। फैक्ट नंबर 12, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। फैक्ट नंबर 13, बांग्लादेश में लगभग 700 से अधिक नदियां बहती है। फैक्ट नंबर 14, बांग्लादेश में लगभग 2000 से ज्यादा अखबार और पत्रिका पब्लिश किया जाता है। फैक्ट नंबर 15, बांग्लादेश का कॉक्स बाजार बीच दुनिया का सबसे बड़ा बीच माना जाता है। आपको बांग्लादेश का कौन सा फैक्ट सही लगा कमेंट में जरूर बताएं।